सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद। स्वागत है आप सभी का विनोवेटिव चैनल में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, कैसे हैं आप सब लोग। और दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं बिल्कुल एक नया धमाका। आज से हर रोज हम आपको लेटेस्ट 5 न्यूज जो है ना, हम हमारे इस चैनल पर आपको रोज देंगे। वो न्यूज टेक रिलेटेड हो सकती हैं, फाइनेंस रिलेटेड हो सकती हैं, कुछ भी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी न्यूज बताने जा रहा हूँ जो किसी भी जो टेक प्रेमी होते हैं, जो टेक लवर होते हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, ये मेरा पहला एपिसोड है, हो सकता है कि इसमें कुछ गलती हो सकता है खबरें कुछ पुरानी हो, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छी न्यूज़ दे पाऊँ, क्योंकि दोस्तों बोला जाता है कि धीरे धीरे करके ही सुधार होता है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी न्यूज़ आपको दे पाऊँ इसमें। तो दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से ही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं सोचता हूँ कि अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाए जाएं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले न्यूज़ आई है कि दोस्तों, आईफोन 10 के 300 यूनिट जैसी कीमत है करीब 2.5 करोड़ रुपये, वो चोरी हो गए हैं। और सिर्फ 3 चोर 2.5 करोड़ रुपये कीमत के चोर ले गए हैं। पूरी दुनिया में जहाँ आईफोन 10 के लिए दीवानगी छाई हुई है, लोग लाइनों में लगी हुई हैं, और लेकिन चोरों ने एक तरीका निकाला है कि लाइनों में लगा ही नहीं जाए, लाइनों में लगने की ज़रूरत ही नहीं है। और 3 चोरों ने बुधवार को, ये न्यूज़ है बुधवार की, और सैन फ्रांसिस्को में एक एप्पल स्टोर के बाहर खड़े एक यूपीएस ट्रक से करीब 300 यूनिट आईफोन 10 चुरा लिए। दूसरी न्यूज़ पर हम चलते हैं। तो दोस्तों, आईफोन 10 की फिर से दूसरी न्यूज़ है जो कि एयरटेल ने दी है। भारत की दिग्गज कंपनी भारतीय एयरटेल ने कहा है कि जैसे ही सेल ओपन हुई थी, कुछ ही मिनटों में आईफोन 10 आउट ऑफ स्टॉक हो गया। और दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एयरटेल ने ऑनलाइन स्टोर में 3 नवंबर को शाम को 6 बजे सेल शुरू की थी, वो तो कुछ ही मिनटों में सारे आईफोन 10 ख़त्म हो गए। और जैसे ही एयरटेल ने कहा है कि जैसे ही नया आईफोन 10 आएगा, वैसे ही ग्राहकों को नोटिफिकेशन दिया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ है आईफोन 10, मतलब लोग बिल्कुल शुरू कर रहे हैं और ख़त्म हुए जा रहा है। अब आपको तीसरी न्यूज़ बताते हैं कि ब्लू वेल का गेम तो आपने बहुत सुना होगा, बहुत सारी न्यूज़ आ रही होंगी, लेकिन दोस्तों ये न्यूज़ अब थोड़ी पुरानी हो गई है, क्योंकि अब ब्लू वेल जैसा ही एक नया गेम इंडिया आ चुका है। और जैसा कि आपको पता है कि जैसे ब्लू वेल गेम के चलते दुनिया भर में बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या की थी, सुसाइड की थी, भारत में भी बहुत सारे लोगों ने सुसाइड की, अभी भी लोग कर ही रहे हैं। लेकिन अब एक नया गेम आया है जिसमें अगर कोई भी हारता है तो उसे उसका न्यूड फोटो देना पड़ता है, और इस गेम का नाम है डेयर एंड ब्रेव। तो दोस्तों, देखते हैं ये गेम क्या गुल खिलाता है भारत में। कोशिश करना चाहिए कि इस तरह के जितने भी गेम्स भारत में आते हैं उन पर बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे देश के बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं, गलत संगत में आते हैं। चौथी न्यूज़ में आपको बताने जा रहा है कि दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि रिलायंस कम्युनिकेशन बंद हो रहा है, उसकी वॉइस कॉल सर्विस बंद हो रही है, और वो बंद हो रही है 1 दिसंबर से। टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस कम्युनिकेशन यानी आरकॉम 1 दिसंबर से वॉइस कॉल सर्विस बंद करने जा रहा है, और साल के अंत तक इसके ग्राहक हैं तो दूसरे नेटवर्क की तरफ रुख कर रहे हैं। और दोस्तों, ये जानकारी दी है ट्राई ने, यानी टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। दोस्तों, लास्ट खबर जो आ रही है, जियो की वजह से एयरटेल भी एक धांसू प्लान लेकर आया है, 70 दिन 70 GB डेटा का। इसकी कीमत है 448 रुपये। दोस्तों, दिग्गज टेलीकॉम कंपनी एयरटेल से जियो के मुकाबले में हर मुमकिन कोशिश करती नजर आ रही है, और इस बार एयरटेल ने जियो के 399 रुपये वाले प्लान को बहुत बड़ी चुनौती देते हुए अपना एक नया टेरिफ प्लान पेश किया है, 448 रुपये का, 70 दिन के लिए 70 GB डेटा आपको मिलेगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की टेक न्यूज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा फर्स्ट एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कर दो दोस्तों, एक लाइक कर दो, शेयर कर दो फटाफट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटी ज़रूर दबा दो। टेंग टेंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।